आज इस वीडियो का पार्ट वन है और रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो कि 5G कॉन्सेप्ट के साथ कराने जा रहा हूँ, ना 3G ना 4G ओनली पर 5G कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो अंत जरूर देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। 100 kg ताजे फल में कितने सूखे फल प्राप्त किया जा सकता है? तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर ताजे फल, सूखे फल कहीं भी देखे तो क्या करना है कि कोई भी फल जो होता है उसमें क्या होता है, पानी होता है और गुद्दे होते हैं, यानी फल। तो हमेशा पानी क्या होता है, बास बन के उड़ जाता है, जबकि उसका गुद्दे होता है मेंटेन रहता है, गुद्दे में कोई चेंज नहीं होता है। तो क्या करेंगे, तो पानी को हम नेगलेक्ट कर देंगे, पानी को लेंगे नहीं। तो इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में पानी को जीरो कर देंगे, मतलब पानी को नहीं लेंगे। जो कोई भी रहे, तरबूज रहे, खरबूज रहे, उसमें क्या करेंगे, पल्प हमेशा लेकर बनाएंगे। अगर 68% पानी है ताजे फल में, एक तरफ लगेंगे ताजे फल मैंने फ्रेश फ्रूट और एक तरफ लगेंगे ड्राई फ्रूट। अगर फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है तो कितना परसेंट पल्प होगा, 32%। अगर ड्राई फ्रूट में 20% पानी है तो क्या बोले, हमें सब पल्प लेकर बनाना। अगर 20% पानी है तो इसका मतलब 80% क्या हो जाएगा, 80% आपका हो जाएगा पल्प। तो परसेंटेज से परसेंटेज का ख़त्म, बचा क्या, 8 से कटेंगे, 8 6 32, 8 10 80, 2 2 4, 2 5 10, यानी फ्रेश फ्रूट डिवाइडेड बाय ड्राई फ्रूट। फ्रेश फ्रूट क्या हो गया 5 और ड्राई फ्रूट क्या हो गया 2, जबकि 5 नहीं, मेरा कितना है 5 kg है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ताजे फल 100 kg, यानी 5 नहीं किसके 100, कितने गुना 20 गुना। इसी प्रकार 2 kg नहीं, इसमें कितने गुना 20 गुना, यानी 40 kg। बिल्कुल 5G कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को उड़ा दें तो इसका कितना हो जाएगा 40 kg। अगर क्वेश्चन को समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसी संख्या का 72% 90 है तो संख्या क्या है? तो अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछे तो हमेशा देखिए, परसेंटेज का ही मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले क्या करना है कि परसेंटेज का मतलब होता है 100। अगर 72% किसके बराबर है, 90 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या हमने 100% नहीं पता, इसको क्या करना है, एक्स मान लेना है। अब इसको क्या करेंगे, त्रिज्यामान करेंगे, तो 90 × 100 डिवाइडेड बाई 72, हम काटेंगे इसको कितने से, 9 से, 9 10 90, 9 8 72, 4 9 8, 4 25 100, 2 5 10, 25 × 5, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 125। वो जो संख्या जो था कितना था, 125। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है कि एक छात्रा को किसी परीक्षा में 20% अंक हासिल किए और 30 अंक से वो बच्चा फेल हो गया। अगर वो 32% अंक हासिल करते तो पास होने से कितना, 42 अंक ज़्यादा लेते, इसमें क्या है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो सबसे पहले परसेंटेज को क्या करना है, घटा देना है, और जो मार्क्स रहेगा वो मार्क्स को ऐड कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। परसेंटेज को कितना ज़्यादा है, 20 से 12% ज़्यादा है, 12% ज़्यादा है। और कितना मार्क्स ज़्यादा है, दोनों को ऐड कर देना है, 42 और 72। तो पूछा गया कि पासिंग परसेंटेज, सबसे पहले हमको टोटल मार्क्स निकालना है कि टोटल मार्क्स कितना था। तो टोटल मार्क्स निकालना मतलब 100%। तो 100% 12 किसके बराबर, 12 कितना गुना है, 72 6 गुना है। इसी प्रकार 100 कितना गुना होगा, 6 गुना होगा, यानी 600 हो जाएगा। इसी क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स। अब पूछा गया कि वो पास होने से, सबसे पहले पासिंग मार्क्स पता करना होगा। पासिंग मार्क्स कैसे पता करेंगे, 20% ले या 32%, दोनों में से बन जाएगा। 20% हासिल किए तो 600 का 20% हासिल किए और कितना में से फेल हो गया, 30 अंक से। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 से करेंगे डिवाइडेड,
2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 × 12 = 120 प्लस 30, 150 क्या हो गया, पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज पीपी मतलब पासिंग परसेंटेज, ये पासिंग पासिंग मार्क्स, सॉरी पासिंग मार्क्स। अब पूछा कि पासिंग प्रतिशत कितना था, तो कितना टोटल मार्क्स था, 600, और कितना लाया, 150, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 × 12 = 3 = 26, यानी जो पासिंग परसेंटेज रहेगा वो 25% रहेगा। अगर 25% तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का आठवां हिस्सा, कोई भी मान लीजिए आठवां हिस्सा, मान लीजिए 32 मान लीजिए, 32 का आठवां हिस्सा 1/8, 8 से काटेंगे, 8 × 32, तो उसके कितने परसेंट के बराबर है, किसी संख्या का आठवां हिस्सा, आठवां हिस्सा क्या हो गया, कितने परसेंट के बराबर है, तो 4 किसी संख्या आठवां हिस्सा उसके कितने परसेंट के बराबर, किसी संख्या का आठवां हिस्सा मतलब कितना है, 4 कितने परसेंट उसके, इसके 32 के, 4 × 32, 4 × 2 = 8, 4 × 25 = 100, 12.5% के बराबर है, इतना 12.5% कैसे निकाल उसके मतलब, तो किसके 32 के, किसी संख्या का आठवां हिस्सा, किसी संख्या का आठवां हिस्सा 4 हो गया, उसके कितने परसेंट, उसके मतलब कितने 32 के कितने परसेंट बराबर है, 12.5%। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो प्राप्त उत्तर में त्रुटि परसेंट कितना होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ये ट्रिक मैं बताता हूँ, 11/16 से गुणा करने के बजाय 7/12, तो दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे संख्या लेंगे जो दोनों से काट जाए, अगर नहीं पता है तो 16 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48, जो 16 से भी कटेगा 12 से भी कटेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंतर 48 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि 16 से भी काट दें कट जाए और 12 से भी कट जाए, 12 × 4 = 48, 16 × 3 = 48, तो 11 × 3 = 33 और 7 × 4 = 28 हुआ, जब कि मेरा ये क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू 33, जबकि हम गलती से मल्टीपल किए 70/12, तो मेरा क्या हो गया डुप्लीकेट वैल्यू हो गया 28 डुप्लीकेट वैल्यू, तो कितने परसेंट की त्रुटि हुई, कितना परसेंट ज़्यादा हुआ, 5 किसमें से 33 से × 100, कितने के कम हो गया, 5 के कम हो गया, 33 था 28 × 33, 33 कितने में से 500 / 33 परसेंटेज डिवाइडेड कीजिए 500 से, 33 से 33, तो 500 को डिवाइडेड करते हैं 33 से 33, 10 × 3 = 7, 4 × 17 = 30, 25 = 150, यानी 15.15 आएगा आंसर सर, इसका पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो 15.15 आएगा। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के चलते हैं पार्ट 2 में, और एक वीडियो में ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं होने के कारण मैं 5 ही क्वेश्चन बता पा रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, और हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन एक टाइप के नहीं अलग अलग टाइप के बताने जाऊँगा, और हो सके जितना बताने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो पर बने रहे और वीडियो अंत तक जरूर देखे कोई भी। तो आज यहीं तक लास्ट वीडियो है, तो वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।